हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सॉल्यूशन। माय नेम इज नेहा गिरी। ओके, वी वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर 8 ऑफ डब्ल्यू बी बी एस सी क्लास 9 मैथ फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। और हमने एक्सरसाइज 8.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। और उसमें 8.2 में क्या है, सारे सॉल्व करने, मतलब कि सॉल्व करके बताना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। बहुत ही ईजी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ सोल्यूशन बहुत ही इजी वे में मिलेंगे और टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो इसके अपडेट्स पाने के लिए आपको बस करना होगा क्या, तो सब्सक्राइब करना होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व मतलब 1 का 1 है ये, ठीक है। सॉल्व नंबर 1 क्वेश्चन है इसका, ये इस तरह का सॉल्व दिया हुआ। ये पूरा जो देखने से लग रहा है कैसा, कि ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलो पहले तो इसे इस तरह मॉडिफाई करते हैं कि ये फॉर्मूला जैसा दिखे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस एक्स टू द पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखो ऊपर ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे इस तरह लिखा, बाई 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। ओके, माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, ऐसे बाई 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये स्क्वायर स्क्वायर ऊपर में है तो इसके डायरेक्टली हम लिख नहीं सकते हैं इसको इस तरह, एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये किस फॉर्मूला पे पुट होगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन में बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूला यूज होने वाले, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। आई थिंक आप लोग को रिमेम्बर होगा, मैंने बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होगा। तो जैसे जैसे यूज होगा मैं बताते जाऊंगी, और इसके पहले भी मैंने कुछ फॉर्मूला बताए थे चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, ए ये अंदर वाला ए है, ये बी है, ए प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, कि ये जो पार्ट है इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ये इसका ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये देखो माइनस 2ab एक अजीब सा आ जाएगा। ये फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि एक कंप्लीट फैक्टर होना चाहिए, तो ये फैक्टर में नहीं टूटेगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा बीच में, आप समझ रहे हो। अगर मैं इसे तोड़ूंगी तो बीच में प्लस माइनस का टर्म आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लाना है। हमें क्या लाना है, जैसे चैप्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करके हमें फैक्टर में तोड़ना है। जैसे आप देख लो 8 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अगर इसमें बीच में माइनस आ गया 4 माइनस 2 प्लस 6 इस तरह करके आ गया, तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 प्लस 2, तो क्या ये फैक्टर है, नहीं है। तो हमें क्या लाना है, मल्टीप्लाई वाला ही टर्म लाना है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, कि ये प्लस वाले को स्कीप कर देना होगा, इस प्लस वाले को कुछ भी नहीं तोड़ना, इसको जो कहते हो एज इट इज छोड़ देना है इसको। तो इसे एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9, और इसको तोड़ देंगे। देखो ये किसके फॉर्मूला पे टूट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, कैसे, एक्स बाय 2 स्क्वायर माइनस एक्स बाय 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला पे टूट रहा है, ठीक है। अब इसे हम तोड़ देंगे किस तरह, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ओके। ये टूटेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ओके, एंड ए माइनस बी, ठीक है। बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो होप कि आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देख के लग रहा है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही पढ़ी हूँ, तो मुझे एक एक क्वेश्चन रिमेम्बर है कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा नहीं होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है, या तो ये हाफ ईयरली में पूछा जाए, या फिर आपके टर्म्स जो टर्म्स एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाए, या फिर फाइनल में भी दे देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना आप। ओके चलो, इसको कैसे करना है, यहां से हमें कुछ मिलेगा, देखो ध्यान से देखने से कुछ पता चल रहा है। एम स्क्वायर एम टू द होल स्क्वायर करते हैं, प्लस 2 एम 1 बाई एम
प्लस वन बाई एम स्क्वायर। आप ये एम एम कैंसिल हो गया, क्या आ गया टू, तो इन तीनों से हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, माइनस टू, टू को कॉमन ले लेंगे, ऊपर में है टू, तो एम प्लस वन बाई एम बचेगा। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मूला पे कौन सा फॉर्मूला बन जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एम प्लस वन बाई एम टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एम एम कैंसिल हो जाएगा तो यही टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसी का ये थोड़ा सा हमने दिखा दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, माइनस टू एम प्लस वन बाई, अब यहाँ देखो ये और ये कॉमन आ रहा है, लेकिन ये दो बार है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं समझाने के लिए, एम प्लस वन बाई एम, एम प्लस वन बाई एम, दो बार लिख दिया क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस टू एम प्लस वन बाई एम। ठीक है, तो ये एक तो कॉमन आ जाएगा, क्या होगा, एम प्लस वन बाई एम बाहर आ गया, क्या बचा, एक बच गया, तो एम प्लस वन बाई एम के साथ ही माइनस टू एड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ये वाला लाइन स्किप करके यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो ये लाइन में स्किप करूंगी, तो ये इस तरह बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसको दोबारा भी समझा सकती हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, अब चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड में क्या है, नाइन पी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर पी क्यू प्लस सिक्सटीन क्यू स्क्वायर प्लस थ्री ए पी माइनस फोर ए क्यू। यहाँ पे भी देखो कुछ मिल रहा है, यहाँ से ए कॉमन मिल रहा है तो थ्री पी माइनस फोर क्यू हो गया, और यहाँ देखो नाइन किसका स्क्वायर होता है, थ्री का स्क्वायर, सिक्सटीन फोर का स्क्वायर, मतलब यहाँ से भी कुछ हमें मिल जाएगा। करते हैं स्टार्ट, 3p का स्क्वायर लिख दो पहले, ठीक है, बीच में जगह छोड़ दिया, प्लस 4q का स्क्वायर। ठीक है, अब मतलब कि हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के ही फॉर्मूला पे ये पुट होगा। तो यहाँ a मिल गया, b मिल गया, तो 2ab तो हम खुद से लिख सकते हैं, इसको भी ध्यान ही नहीं देते कि ये है क्या। ठीक है, यहाँ लिखते हैं माइनस 2 a की जगह 3p और b के जगह पे क्या लिखेंगे, 4q। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 आ गया, इसका मतलब हमने सही तोड़ा है। तो इसीलिए जब भी ऐसे बनाते हैं तो पहले a और b निकाल लेते हैं, जिससे 2ab लिखना आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ किसके फॉर्मूला पे पुट हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ जो हमने छोड़ रखा है, प्लस a कॉमन आ जाएगा, 3p माइनस 4q, ओके, प्लस वो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 3p माइनस 4q हो गया। अब यहाँ देखो 3p माइनस 4q, 3p माइनस 4q दोनों में कॉमन है, जैसे कि यहाँ मैंने दो बार रिपीट किया, यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, डायरेक्टली कॉमन निकालूंगी, 3p माइनस 4q कॉमन, एक यहाँ पे बच रहा है और एक ये प्लस a है, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, 3p माइनस 4q प्लस a, ये आंसर हो गया। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, टू एंड थ्री भी हमने कर लिया, अब करते हैं फोर्थ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 4x⁴ प्लस 21। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसा ही है, प्लस का टर्म है, फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का, और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, हो गया है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही तो एक्स टू और फोर होगा, प्लस 81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हमें क्या करना है, इसे तोड़ देना है, तो चलो तोड़ते हैं। इसके फॉर्मूला पे हमें क्या करना है, तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, ये फॉर्मूला पे हमें पुट करना है, ए की जगह पे क्या है, टू एक्स, और बी की जगह पे नाइन है, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह पे 2x स्क्वायर और बी की जगह पे 9। ठीक है, अब यह क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 9 की जगह पे बी मैंने लिख दिया 9, प्लस 9 स्क्वायर, यहाँ 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, 36 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फिर से कुछ हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये तो पहले से स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 9 टू दी होल स्क्वायर माइनस 36 का, 6 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर x होता है। अब क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं बार बार कह रही हूँ ये जो टोटली गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन है, वो टोटली बेस्ड किस पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। ठीक है, बस उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, सिक्स सिक्स
ए माइनस बी दैट इज 2x² + 9 - a, ठीक है। बस यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, इसके आगे ये नहीं टूटेगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, फिफ्थ और सिक्स एक ही जैसा है तो मैंने एक ही साथ कर दिया इसको, ठीक है। x^4 - 7x² + 1, इसको देख के लग रहा है यार कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, लेकिन आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। देखो सेवन एक परफेक्ट स्क्वायर हमें कहां से मिलेगा, नाइन से मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है सेवन, तो सेवन को नाइन बनाते हैं कैसे। x^4 - 7x² - 7x² है ना, तो इसे हम 9 - 2 लिखते हैं, सॉरी, ठीक है, -2 + 9x² +2x² लिखते हैं और -9 तभी होगा ना, -9x² + 1 है ना, मतलब कि 9 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है 7, -7, क्योंकि 9 बड़ा था इसलिए इसके आगे हमने माइनस कर दिया। ओके, अब हमें क्या मिला, x^4 + 2x² + 1 को एक साथ करते हैं, ठीक है, और ये -9x² को अलग। अब ये देखो x² का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, a² + 2 a की जगह x² b की जगह 1 + b² है ना, ये फॉर्मूला पे आ गया। और ये 9 को लिख सकते हैं 3x² होल स्क्वायर, ये किसके फॉर्मूला पे आ गया, a² देखो इसको इसलिए x^4 को मैंने इस तरह लिखा क्योंकि फॉर्मूला पुट करना था x² + 2ab + b², ये किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, a की जगह पे x² है प्लस b की जगह पे 1 है -3x², ठीक है। अब क्या आ गया a² - b² इसके फॉर्मूला पे, a² - b² का फॉर्मूला सबको पता है, a + b, ये a है प्लस बी 3x और a -3x, ओके बस हो गया कंप्लीट। ओके, इसी तरह ये बनेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स भी बिल्कुल भी एकदम डिट्टो ऐसा ही है, क्या करना है इसको, p^4, ठीक है, 11 है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 2 - 2p²q² - 9p²q² लिख सकते हैं, है ना, माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो -11 होता है +q^4, यही है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए बस क्या करना है, a² - 2ab + b², ये दिख रहा है तो बस इसको थोड़ा इधर लाते हैं, पी का स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं, -2p²q² + q^4 - 9p²q², ये फॉर्मूला पे बन गया, ठीक है, किसका, a² - b² का होल स्क्वायर है ना, p² - q², क्योंकि यहाँ पे भी q² का स्क्वायर लिख देती हूँ तब आपको समझ में आएगा, है ना, q^4 को हमने इस तरह लिखा तो ये किसके फॉर्मूला बन गया, a - b का होल स्क्वायर, दैट इज p² - q² - 9p² माइनस, अभी 9 को 3pq² लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्या है a, ये टोटल कितना है a और ये है b, a + b a - b, ठीक है, p² + q² + 3p एंड p² + q² - 3, दोनों बिल्कुल ही सिमिलर था और यही आंसर होगा। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 5 और 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इतना इजी है कि मतलब आंख से देख के पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। देखो a² - 2ab, इसको इधर लाते हैं, -2ab + b² हो गया, -c² को साइड में लिख देते हैं, ये किसका फॉर्मूला है सबको पता है, a - b होल स्क्वायर - c का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे क्या, a ये पूरा a है और ये b है तो a + b एंड a - b, ओके आंसर बहुत इजी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट उतना भी डिफरेंट नहीं है, ये भी बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, तो चलो करते हैं इसको, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 3 × 3 = 9, 9a² इसको करेंगे तो +6ac, ओके अब इससे इसको करेंगे तो -4b² - 4bc, ओके ये समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे टर्म्स को लेने हैं जिसके फॉर्मूला बनना इजी हो, तो 9a² - 4b² इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक साथ, ठीक है, ओके तो ले लेते हैं क्या,
9a² माइनस 4b² प्लस 6ac माइनस 4bc, इन दोनों को एक साथ रख लिया, इन दोनों को एक साथ रख लिया। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से देखो कुछ कॉमन आएगा, सी एंड सी कॉमन आ रहा है, तो सी तो कॉमन आएंगे, साथ में टू दोनों में है तो टू कॉमन निकालेंगे। तो 2 3 6 होता है, 3 बचा, सी निकल गया था तो ए बच गया, माइनस यहां से 2c निकल गया तो 2 भी बचा। ठीक है, अब यहाँ इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे क्या होगा, ए प्लस बी, ओके, 3a प्लस 2b एंड 3a माइनस 2b, ओके। यहाँ पहले से क्या था, प्लस 2c, 3a माइनस 2b, ये दोनों कॉमन आ गए, ये और ये, इसको बाहर निकालेंगे, 3a माइनस 2b जो बचा उसको एक साथ लिखा जाता है, क्या बचा, 3a माइनस 2b, सॉरी 3a प्लस 2b प्लस 2c, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो अब करते हैं 9 एंड 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, देखो क्वेश्चन को देख के हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला इजिली मतलब कि टूट जाएगा या किसको फॉर्मूला पर इजिली पुट कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4c², ये थोड़ा माइनस वाला टर्म है, दैट इज ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म पर तोड़ सकते हैं, तो इसको एक साथ लिखते हैं, क्या, ए स्क्वायर माइनस 4c², ठीक है, एक साथ लिख दिया मैंने, माइनस 6ab प्लस 12bc, इसको एक साथ लिख दिया। अब ये किसका हो गया, वो ए स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको माइनस यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, 6 कॉमन जाएगा, 6 बी और बी भी कॉमन जा रहा है, 6 भी कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, ए बचा यहाँ पे, सी ए माइनस, क्यों हमने माइनस निकाला है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 6 2 जा बी निकल चुका है और सी बचा ए माइनस 2c, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पे पुट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए प्लस 2c एंड ए माइनस 2c, ठीक है, माइनस 6 भी ये पहले से था यहाँ पे, ए माइनस 2c बचा, ये और ये एक साथ कॉमन, क्या हुआ, ए माइनस 2c बचा जो, वो एक साथ दिखते हैं, ए प्लस 2c माइनस 6b, ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, 3a² प्लस 4ab प्लस b² माइनस 2ac माइनस c², ठीक है, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग दिमाग लगाओ, अगर ये वीडियो स्किप कर करके बनाओ कि आप लोग कर सकते हो कि नहीं, बीच में आप रोक के खुद करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करना है, 3a² को हम इस तरह लिखते हैं कि कुछ बने इसमें, तो 3a² को लिख सकते हैं 4a² माइनस a², ठीक है, उसके बाद बाकी जो है उसको उसी तरह हम लिख देंगे, प्लस 4ab प्लस b² माइनस 2ac माइनस c², ओके। अब यहां से देखो कुछ मिल रहा है हमें, ओके, ये हो गया, उसके बाद हमें देखते हैं कि कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, 4a² 4ab और b ये एक जैसा है तो इसको एक साथ लिखते हैं, 4a² प्लस 4ab प्लस b², ओके। यहाँ पे देखो माइनस माइनस a² माइनस 2ac माइनस c², ये एक जैसा था, ठीक है, तो हमने एक साथ लिख दिया। अब इस 4a को 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और b को b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a मिल गया, b मिल गया, बीच में क्या होता है, 2ab, 2 a की जगह पे 2a पुट करे, b की जगह पे b पुट करा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इस 4 के बराबर आता है कि नहीं, 2 2 4 ab आ गया इसके बराबर, इसका मतलब हमने सही तोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है, a² प्लस 2ac प्लस c² हो गया, ओके। ये देखो फॉर्मूला पे तो पुट हो गया है, a² प्लस 2ab प्लस b² किसके फॉर्मूला पे, 2a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाने से ये भी फॉर्मूला पे बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में, a के जगह पे a है, b के जगह पे c है का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या कौन से फॉर्मूला पे अल्टीमेटली हम पहुंच गए, जो हमें चाहिए था, a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, ये टोटल क्या है, a है, ये टोटल क्या है, b है, ओके, a दैट इज a प्लस बीच में प्लस b, a प्लस c। अब बताओ कि मैं बार बार ब्रैकेट की यूज कर रही हूँ क्योंकि माइनस प्लस में कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए a दैट इज 2a प्लस b माइनस b दैट इज a प्लस c। एक टर्म होता है तो ब्रैकेट यूज करना नहीं होता, लेकिन जब दो टर्म है तो जरूर से ब्रैकेट यूज करें क्योंकि प्लस माइनस में गड़बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस a प्लस c,
ठीक है। और यहाँ क्या होगा, 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, हुआ चेंज, सॉरी सी है ना, ये तो ये सी है। अब यह साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि कैलकुलेशन और हो सकता है कि नहीं। हाँ, 2a प्लस ए कितना होता है, 3a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है, 2a माइनस ए कितना होता है, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज ये वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। एक्सरसाइज 8.2 काफी इंटरेस्टिंग है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, गुणनखंड फैक्टराइजेशन। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज हिट अ लाइक, मुझे लाइक लेना बहुत ही अच्छा लगता है, प्लीज ही लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।